हेलो दोस्तों, तो आज की पेंटिंग का थीम है वोटिंग, या फिर वोटिंग राइट्स, या फिर करप्शन पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिक्सिंग करेंगे हम बैकग्राउंड की। मतलब देखो, पोस्टर मेकिंग के लिए जैसे कि मैं हर वीडियो में तुम्हें बताता हूँ कि पहले बैकग्राउंड करो, तो उसी हिसाब से मैं पहले बैकग्राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड करने के लिए जो हम कलर मिक्स करेंगे उसमें सबसे पहले मैंने पर्शियन ब्लू मिक्स करा है और उसमें रेड मिक्स कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसी को आगे खींचते जाओ। ठीक है, और फिर लाइट करने के लिए ऑरेंज मिक्स करो और उसमें रेड मिक्स करते रहो कहीं कहीं कभी कभी। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने राइट साइड में कलर सारे रखे हुए हैं, तो आप वो देख देख के समझ जाओगे कि मैं कौन कौन से कलर कब यूज़ कर रहा हूँ। जैसे देखो, अभी वाइट यूज़ किया इसमें, और तुम्हारी ब्लेंडिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मैं अंदर तक घुस रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे हल्का सा वाइट अलग दिखे ना, तो उसको थोड़ा जाके फिर ब्रश को अंदर ले जाके हल्का ब्लेंड कर दिया करो। अब जैसे देखो मैंने वाइट किया यहाँ पे, अब देखो उसको मैं प्रॉपर ब्लेंडिंग दे रहा हूँ, देखना अभी देखो। अब वाइट करा, अब देखो इसको ब्लेंड कर दिया प्रॉपर। ठीक है, तो ये जो ये थोड़ा फॉग फॉगी लुक दोगे ना तुम, जैसे थोड़ा फॉग फॉग वाला लुक आ रहा है ना, तो ये टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम दोगे। ठीक है, तो कोशिश करना, और इसके लिए ना राउंड ब्रश का यूज़ करना, जैसे कि देखो मैं कर रहा हूँ, मतलब मोटा राउंड ब्रश, लगभग 8-9 नंबर या 12 नंबर, जितने भी तुम्हारे पास है, मतलब शीट के हिसाब से देख लेना। बड़ी शीट हो तो बड़ा फ्लैट ब्रश ले, अरे यार सॉरी सॉरी, बड़ा राउंड ब्रश लेना, और अगर मतलब जैसे छोटी शीट है तो फिर छोटा राउंड ब्रश लेना। ठीक है, और देखो अब ये जो ऑरेंज वाला जैसे मेरा बैकग्राउंड है, तो तुम्हें वहाँ पे ना प्लेन मिक्सिंग देनी है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन, जो कि मतलब आँखों को बिल्कुल ना सूट करे ना, जैसे समझ रहे हो ना, बिल्कुल प्लेन मिक्सिंग देनी है यहाँ पे। और देखो मैं ब्लेंड कैसे करूँगा इसमें, ब्रश बिल्कुल प्लेन प्लेन चलाना है तुम्हें, और एक लाइन में चलाना है इसमें। ठीक है, तो देखो ऐसे बिल्कुल तुम्हारी ब्लेंडिंग आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अब तुम अपने ड्राइंग का मटेरियल स्टार्ट कर दो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आसान पेंटिंग है यार, बहुत ज़्यादा, तो तुम इजीली बना लोगे, बस तुम्हें करना है इसको। क्या करना है, तुम्हें कोशिश करनी है। ठीक है, ट्राई करना, तुमसे बन जाएगी, पक्की बात है। ठीक है, अब तुम करते चलो, और जहाँ जहाँ दिक्कत आए मैं तो हूँ ही बताने के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करो बस। अब देखो, अब हमारे ड्राइंग में मेन है क्या, यहाँ पे ना एक मैं लेफ्ट साइड एक नेता बनाऊँगा। ठीक है, और ये जो रास्ता है, इस रास्ते से ना बंदे मतलब वोटिंग जहाँ करते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पीछे नेता खड़ा हो गया है, और यहाँ से ना मतलब उस बंदे के जो सबसे मतलब हर एक बंदे के हाथ में थोड़े से पैसे देगा और अपने वोट के लिए कहेगा, तो मतलब ये क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे फेयर होना चाहिए ना हमारा वोटिंग, कि फ्री एंड फेयर जो कहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये नेता इसको पैसे दे रहा है ताकि वो उसको वोट करे। तो ये चीज़ तुम दिखा सकते हो। ठीक है, बाकी तुम्हारे पास अगर कोई अलग अपना आइडिया हो तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम जितना अच्छा सोचोगे पेंटिंग में, मतलब तुम्हें उतनी ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे जीतने के चांसेस उतने बनेंगे। जज बोलेगा यार दिमाग क्या लगाया इसने। अब वो अलग बात है, बहुत बंदे गूगल से देख के सीधा सेम बना देते हैं, लेकिन तुम मतलब अगर अपना दिमाग लगाओ तो और बढ़िया है, जैसे ये मैंने सोचा था इसलिए। ठीक है, और ये नेता जब बनाओ ना, तो नेता में एक चीज़ करना, मतलब खाए पिए रहते हैं ना वो, पैसे वैसे घूस घूस खा के, मतलब खाना वाना खा के मोटे मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे तोंद जरूर दिखाना नेता की। और इंडियन नेता है तो भाई टोपी तो भूलना मत बिल्कुल भी, टोपी जरूर बनाना इनकी। जैसे देखो ये, ठीक है, उससे लगता है थोड़े घूसखोर से नेता हो। अब AAP, आप वालों को मत समझ रहा हूँ घूसखोर, ठीक है, मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा, मैं ऐसे मतलब बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो चल ठीक है, ठीक है, तुम वीडियो देखो। देखो जैसे कि मैंने कहा था कि हर जगह ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है, तो ये सिंपल मैप बना लेना तुम, देख के कहीं से भी, मतलब गूगल करना और वहाँ से देख के सिंपल, जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हो ना, वैसे ही ब्रश से ड्रॉ कर देना। बस इसमें तुम्हारी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर गलती हुई यहाँ पे तो सीधा, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत हल्का है ना, तो वो ढकेगा भी नहीं, मतलब वापस से तुम्हें सारी मिक्सिंग देनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारा हाथ थोड़ा गड़बड़ चलता है ड्राइंग में, तो फिर तुम पेंसिल से पहले ड्रॉ करना बिल्कुल लाइट लाइट, तो थोड़ी गलती होगी ना तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और अगर सही है तुम्हारी ड्राइंग, तो फिर सीधा ब्रश से कर लेना। अब देखो, अब यहाँ पे ना पर्शियन ब्लू करना है तुम्हें आसपास उसके, और फिर ना ब्लेंडिंग बिल्कुल प्रॉपर देनी है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ना, मैंने वाइट से देखो बिल्कुल नीचे तक ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मैं, जब बिल्कुल मिक्स हो गया तब तक, और फिर ऐसे करके मतलब ब्लेंडिंग देनी है, और बीच में थोड़ा वाइट ज़्यादा रखना, और आसपास मतलब तुम मिक्स करते जाओगे ना जैसे उसको, तो फिर वो लास्ट में खुद ही डार्क हो जाएगा, मतलब बीच में लाइट रहेगा और आसपास डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई टफ था नहीं वो। और फिर तुम्हें हाथ दिखाने तीन, एक ऑरेंज, फिर बीच में वाइट और लास्ट वाला ग्रीन, ये इंडिया के फ्लैग का तीन तीन कलर होते हैं ना, तो मतलब ऐसा दिखाने कि इंडिया के लिए हम मतलब वोटिंग का दिखा रहे हैं, तो इस वजह से। और बाकी उंगली के लिए तुम स्किन कलर करना, और उस पर वाइट से हल्की हल्की सी शेडिंग देना, तो तुम्हारी उंगली लगने लगेगी वो, जैसे उंगलियों की ऊंचाई नीचाई जो भी होता है वो तुम वाइट कलर से शेडिंग दे देना, ठीक है। और डार्क देना हो तो तुम ब्राउन का यूज़ कर सकते हो ऑरेंज पे, ठीक है। Thank you.
देखो अब ना यहाँ पे ना एक गरीब बंदा दिखाना जो कि मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक उठा रखा है, तो उससे गरीबी पता लगेगी। और इसलिए दिखाना क्योंकि मतलब देखो करप्शन वगैरह की वजह से ही ना हम गरीब होते हैं, तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें शो करने के लिए तुम्हें गरीब बंदा दिखाना पड़ेगा। और जैसे ये बिजली बिजली देने का वादा करते हैं, फिर बिजली आती नहीं है, तो इसलिए बिजली के मैंने यहाँ पे वो भी बना रखे खंबे वंबे। ठीक है, तो जो भी वोटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें बना दो। ठीक है, और ये गरीब जो बंदा बनाया मैंने, ये तुम मतलब और अच्छा बना सकते हो। और अगर तुम और अच्छा बना सकते हो ना, तो गूगल करना कोई गरीब बंदा और उसको देख के और अच्छा बना देना। ठीक है, और अगर तुम्हें मतलब और अच्छा नहीं बना सकते, ऐसा बना सकते हो, तो ये देख के बना दो। इसके लिए तो बहुत सिंपल ट्रिक है, ऑरेंज करना और उसके ऊपर जहाँ डार्क करना वहाँ ब्लैक यूज़ करना, और जहाँ लाइट शेडिंग देनी हो वहाँ पे वाइट यूज़ करना। जैसे जो इसके हड जो इन इसकी हड्डियाँ होंगी ना, जो रिब केज दिख रहे होते हैं, वो वाइट कलर से बस बना देना ब्राउन के ऊपर, तो खुद ही वो ब्राउन में वाइट मिक्स होके हल्का ब्राउन कलर लेके अच्छे से शेडिंग ला देगा। और बाकी आँख वाँख दिखाने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इससे पता लग जाएगा कि ये गरीब है, क्योंकि इसने अपने हाथ में कुछ बोझा सा उठाया हुआ है इस वजह से। ठीक है, चलो मेरी पेंटिंग ना लगभग कंप्लीट हो गई है। और अगर तुम्हें ना कुछ मेरे से पूछना हो या कोई भी आपके पास अगर डाउट हो, तो फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे इसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा, या फिर यहाँ पे भी मैं अभी मेंशन कर दूँगा। ठीक है, तो तुम देख लेना, और अगर करना हो मुझे मतलब मैसेज कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।